भैया आज मैं अपनी ब्रेजा बेच रहा हूँ। अच्छा एक्सीलेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन गुड कंडीशन। अरे कैसी बातें कर रहे हो? सामने देख रहे हो तो कार्स 24 के एक बंदा खड़ा है, वो मेरी गाड़ी की वैल्यूएशन करने आया है। तो हाँ मैं कुछ कुछ परसेंट सोच रहा हूँ गाड़ी को बेचने की, एक बार वैल्यूएशन लगवा के देख लेते हैं। प्लस आपको इस वीडियो से ये भी पता लग जाएगा कि अगर गाड़ी पे मान लो लोन है तो वो गाड़ी कैसे बिकेगी, प्लस गाड़ी का कलर चेंज है तो वो कैसे बिकेगी। अभी गाड़ी को बाहर लेके चल रहे हैं, अभी भी बाहर की रोशनी मिले हैं यहाँ पे ना, बेटर जजमेंट इनको गाड़ी का लग जाएगा। प्लस टेस्ट ड्राइव इन्होंने नहीं ली, बोले कि आप चलाओ वही काफ़ी है, उसी में हम मॉनिटर कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे अपना। लेकिन अभी गाड़ी का स्टेयरिंग वगैरह वो सब देख रहे हैं, और गियर स्टिक जैसे गियर नोब मैंने अलग से लगवा रखे तो बोली ऐसी आती है कि लगवा रखे, बोला अलग से लगवा रखी है। तो अभी फोटो वोटो हो रही है गाड़ी की, चला के देखोगे? देख लो चाहे, अगर वैसे देखना है आपको अभी फीचर्स वगैरह चेक कर लो, फीचर्स देख लो, चेक कर लो सारे, जो पूछना उससे पूछ लेना। अच्छा जैसे गाड़ी का मेरा कलर वाइट है जी, तो ब्लैक है तो कैसे करोगे आप? वो आपने रैप करवा रखा? हाँ रैप करवा रखा, वो मान लो अगर डील फाइनल होती है वो तो हट जाएगा, वो हटवाने की जरूरत नहीं है सर। उसके रिगार्डिंग मैं मेल ड्रॉप कर दूंगा हमारी कंपनी में। दिस व्हीकल इज ओरिजिनल कलर इज व्हाइट एंड चेंज टू ब्लैक रैप। तो फिर आप जैसे पेंट वगैरह, मैंने देखा काफी लोग वो चेक करते हैं, तो कैसे चेक करोगे? रैप पे चेक नहीं होता, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेंट को चेक करने की, और पैसे बराबर उतने ही आते हैं कि कम कर लेते हो? वही आएगा सर। अरे यार ये ठीक है, मतलब किसी की गाड़ी अगर बाहर से पेंटेड हो पूरी गाड़ी और वो रैप करा के बेच देगा तो? रैप करवा के वो पहले चेक कर लेते हैं सर, उसकी रिगार्डिंग मेल होती है तो मेल पे पहले ऑलरेडी जो बंदा इंस्पेक्शन करता है वो पहले लिख दे, मेल कर देता है कि सर बिफोर प्रोसेस प्रोक्योर प्लीज चेक दिस व्हीकल इज रैप। तो रैप उतार के लेते हैं गाड़ी? अच्छा मतलब शुरू में ना सही, गाड़ी लेने से पहले देख लेंगे। हाँ, पैसे ऊपर पेंट होगी तो वो बाद में कर जाएंगे, माइनस करेंगे पैसे। बिल्कुल। अच्छा तो किसी की गाड़ी अगर रैप हो तो उतरेगा रैप, ऐसा नहीं है, है ना? ठीक है चलो, आप अपना काम करते हैं, मैं आपको वैसे नहीं रोकूंगा बीच में। और वो भी मैं पूछ लूंगा, जैसे अभी ना गाड़ी पे थोड़ा सा लोन बचा है, 5 साल का मैंने लिया था, तो लोन की अगर गाड़ी बेच रहे हो तो कैसा होता है, तो वो देख लेंगे अभी। गाड़ी वैसे तो साफ है, बस थोड़ी सी धूल मिट्टी जो कवर ढका हुआ था ना बस उसी की है ये, बस और कुछ नहीं है। वैसे तो मैंने साफ करके खड़ी करी थी गाड़ी बिल्कुल। मैं अलग अलग कंपनीज का भी चेक करवाऊंगा अगर आप लोग कहोगे ना तो। ओ यार मतलब हाँ ये सच, 1% मैंने सोचा था कि चलो एक बार बेचने की सोचते हैं, दूसरी गाड़ी लाना, दो दो गाड़ी मेंटेन करना थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो क्यों ना इसको एक बार निकाल, मैंने सोचा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बेच ही देनी है, कि एक बार चेक करवा लेते कितनी वैल्यूएशन लग रही है, यहाँ कैसे कितनी लग रही है, वहाँ कितनी लग रही है, बाहर बेचूँ तो बाहर कितनी लग रही है। और आप मेरे को एक जेन्युइन ये चीज़ बताना, शुड आई सेल माई कार? मतलब काफ़ी लोग कभी अगर मैं बेच दूँ बाद में बोले कि इससे तो इमोशनली अटैचमेंट है, कि इसी से सब शुरू हुआ था, वो बात सच है, लेकिन एक बार मेरे को अभी बता देना, कभी मैं बेच दूँ फिर आप कहो तो वो गाड़ी वापस नहीं आ पाएगी, जैसे मैंने एलोइज ट्रेड कर दिए थे इसके ओरिजिनल और फिर बाद में लोगों ने बोला कि नहीं बेचने चाहिए थे, तो मैं नहीं चाह रहा उसकी तरह मेरे को बाद में रिग्रेट हो। तो अभी मेरे को बता देना शुड आई सेल इट और नॉट, एक ऑडियंस पोल भी मैं डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में कि बेचूं या ना बेचूं, अगर इसको बेच के मैं लाऊं तो कौन सी गाड़ी लेकर आऊं, मेरा मन था एक गाड़ी पे, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इंजन भी चेक हो रही है, बैटरी अभी चेंज हुई है इसकी? नहीं वैसे ही बता रहा हूँ, आप पूछो उससे पहले, नॉइज वगैरह चेक कर रहे होंगे यहाँ पर। गाड़ी में दिक्कत नहीं मिलेगी एक भी इनके भी? आप ये बता दोगे बाद में, मतलब अभी की गाड़ी में दिक्कतें क्या क्या है जब देखोगे उसके बाद? बिल्कुल आपको बता के जाऊंगा। ठीक है, और जैसे गाड़ी देख के गए वैल्यूएशन उसके कितनी देर बाद बता दो? विद इन 1 आवर में मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा, उसके बाद हमारी जो वो डिपस्टिक लगाओ वो छोड़ दी, रिटेल टीम हमारी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी विद इन 1 आवर। अच्छा ये तो यार भारी छोड़ दिए, ऑयल निकल जाता इसका, गलत है क्या कह रहे थे? मैं दोबारा से बोनट ओपन करता हूँ। लेकिन उस चीज का थोड़ी ना बाहर कुछ काम है, उसको तो डालना था अंदर। चलो कोई ना, वो थोड़ा सामने आगे रखी थी तो ध्यान नहीं गया होगा। ये देखो ना फेंक भी दिया बाहर से, बाहर थोड़ा ऑयल, यही तो ऑयल चेक करना होता है। चलिए फोटो ले रहे हैं इंजन पे की, तब तक हम और आप बात करते हैं। तो
मतलब हाँ मानता हूँ इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन आगे बढ़ना भी प्रैक्टिकलिटी का ही एक हिस्सा है। तो इसको बेच के मैं आगे बढ़ूँ, कोई नई गाड़ी पे अपग्रेड करूँ, क्योंकि देखो यार हम कंटेंट क्रिएटर और व्यूज़ तो हमें चाहिए। तो लोग बोले कि गाड़ी अपग्रेड कर लो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको बेच के मैं नई गाड़ी लेके व्यूज़ बढ़ाऊँ या इसको रख के एक और गाड़ी खरीद के मैं व्यूज़ बढ़ाऊँ, भाई फाइनेंस भी देखना पड़ता है। अब सब भाई बाकी जो कॉमेडी सेगमेंट के जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनकी तरह हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दो दो गाड़ी मेंटेन कर लें। मैं व्लॉगर नहीं हूँ कि भाई अंधाधुंध पैसे छाप रहा हूँ, वो बात नहीं है, ठीक है। तो दो दो गाड़ियाँ मेंटेन करना थोड़ा सा औखा होता है। बाकी आप लोग तो हो ही भाई सर, मान लो सब पता ही है, तो आप मेरे को बता देना जैसे जज करते हो कि ये गाड़ी रखूँ या निकाल दूँ मैं। और अगर आप लोग लेने के इच्छुक हो तो कितने में ले सकते हो इनकी? हालांकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी वैल्यूएशन बता के जाऊँगा कि इस गाड़ी की कितनी वैल्यूएशन आई है। जब एक घंटे बाद बताएंगे तो मैं वीडियो बना के ख़त्म कर दूँगा। मॉडिफाइड है पूरी, 1% दिक्कत नहीं मिलेगी इनको गाड़ी में। इनका फीडबैक ले लूँगा मैं बाद में। अच्छा, जो चीज़ें मैंने बाहर की लगवा रखी उनके पैसे अलग से मिलेंगे? नहीं, जैसे मैंने भाई 18-20 हज़ार के फोग लैंप हैं, अलॉयज नहीं दिलवाओगे? इनके PPF करवा रखे 50-55 हज़ार के, इनके नहीं मिलेंगे? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, पता है नहीं मिलते। अच्छा, एक सवाल और पूछना था, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? अगर मान लो गाड़ी पे जैसे अभी लोन बचा है जी, सपोज हमने मान ली कि गाड़ी की वैल्यू आपने लगाई 8 लाख, ठीक है, लोन बचा है 2 लाख रुपए का, तो आप मेरे को 6 लाख दोगे? सर अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ये बोलते हैं कि भाई कंपनी पे कर देगी तो हमारी कंपनी पे कर देगी। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं खुद पे करके आपको NOC दे दूंगा तो आप पे करके, तो आप ऐसा हो जाता है कि हम आपको पूरे पैसे पहले दे रहे हैं, आप अपना लोन क्लियर करो। बिल्कुल, ये दोनों मुझे ऐसा, ये कंपनी मेरे पे भरोसा क्यों करेगी? मेरे को पहले पैसे कैसे दे देगी? पहले नहीं देगी, तो गाड़ी ले लेगी पहले? पहले गाड़ी लेगी, आप कंपनी को ये बोलेंगे कि भाई लोन आप दे दो, तो कंपनी आपको उसका प्रूफ देगी और आपकी जो पेंडिंग लोन अमाउंट काट के आपको पैसा वापस मिल जाएगा। दोनों में पैसे वैसे बराबर ही मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि कंपनी खुद हैंडल करेगी तो थोड़ा और चार्ज काटेगी कि भाई हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा और चाहिए? क्या हेल्थ आ रही है वैसे टायर की या इसका भी? ये अच्छा, एक्सीलेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन गुड कंडीशन है। मैंने कितने चला दिए, पता नहीं 12-13 हज़ार किलोमीटर चल गई शायद इन टायर में, गुड कंडीशन में। हाँ, एक भी पंक्चर नहीं है किसी में भी। 7+ होते हैं तो हम एक्सीलेंट पे मानते हैं अभी। इसका 6.5 हज़ार है? हाँ जी, ठीक है भाई, अब कोई नहीं, वैसे तो ठीक ही है। तो अब ये खुद से टेस्ट ड्राइव रिव्यू ले रहे हैं, तो इसमें मैं इस दौरान इनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हर एक चीज की, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, गियर, क्लच, ब्रेक, सब। ये RC लो, फोटोज ले रहे हैं इसकी, डॉक्यूमेंट्स की। कैसी है कंडीशन वैसे? मतलब सही से गाड़ी अच्छी है, सिर्फ गाड़ी में कहीं कोई डेंट नहीं है, सिर्फ ओनली बोनट पे ओले गिर गए। हां, -3 इंच ये एक डेंट है। -3 मतलब? सर हमारे पास रिपोर्ट में मेंशन होता है कि भाई +3 इंच डेंट है गाड़ी पे या -3 इंच है किसी पैनल पे। अच्छा, तो -3 है मतलब वो -3 में, तो -3 कम माना जाता है, ज़्यादा डैमेज माना जाता है? कम है। 3+ तो मान लो कि ज़्यादा एरिया हो गया। हाँ, और जैसे ये स्पॉट यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे वो -3। वैसे गाड़ी सही है चलाने, कोई दिक्कत? बिल्कुल ओके सर, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरी तरफ से इंस्पेक्शन रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, लगभग आपकी जो रेटिंग आएगी वो 5 में से 4.5 की। और अच्छा, गाड़ी की 5 में से 4.5 की आएगी? हाँ जी, और बाकी विद इन 1 आवर्स में आपको रिटेल टीम कॉन्टेक्ट। चलो ठीक है, मेरे को फिर बता देना। चलो ठीक है, ओके सर, थैंक यू, ओके, वेलकम सर, बाय। तो भैया गाड़ी की वैल्यूएशन आ गई है, फ़ोन में अभी अभी मैसेज आया, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, कुर्सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पे आया है ऑक्शन कंप्लीट, यानी वो बिडिंग करते हैं ना, ये अपनी गाड़ी की फ़ोटो आ गई और ये वैल्यू है 757,430 रुपीज़, 7,57,000 इन्होंने गाड़ी की कीमत लगाई। मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि गाड़ी पे लोन है, ठीक है। अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैं इनको लोन क्लियर करके बैंक से NOC या नो ड्यू सर्टिफिकेट ला के दूंगा, तो इसमें अभी ये मैंशनड है कि मेरे पास NOC नहीं है, तो जब तक मैं इनको NOC नहीं देता ये मेरे को 7,18,880 की पेमेंट कर देंगे, और जब मैं इनको NOC ला दूंगा तो मेरे को 38,550 और पेमेंट कर देंगे। मतलब ये अमाउंट ये होल्ड कर रहे हैं अभी,
एक और चीज जो मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, मैंने उनसे पूछा था ना कि क्या आप ये मान लो नो ड्यू सर्टिफिकेट लाने के या डॉक्यूमेंटेशन के कुछ अलग से चार्ज करोगे, उस बंदे ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे चार्ज, लेकिन हियर इट इज। एक्चुअल ऑफर मेरी गाड़ी का लगा था 771,000, ठीक है, सर्विस चार्ज 13,570 काट लिए। मेरे को लगा गाड़ी की सर्विस क्या, मैं सोच रहा यार गाड़ी की सर्विस तो 3-4 हज़ार में हो जाएगी, मैं करवा के दे दूंगा, 13,000 क्यों दे रहे हैं। लेकिन सर्विस चार्ज अलग है, ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ले रहे हैं, फाइनेंशियल या लीगल काम जो भी होगा आरसी ट्रांसफर करा के देंगे किसी और को। अरे तुम किसी और को करा के दे रहे हो, मुझसे क्यों चार्ज कर रहे हो। खैर तेरा ये भी ठीक है कि इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि हम इतने पैसे काटेंगे, तो 13,570 तो बहुत ज़्यादा है भाई। आगे कह रहे हैं कि अगर आपको पसंद है वैल्यूएशन तो 1,000 रुपये टोकन अमाउंट दे दो और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, फिर आगे की क्रिया शुरू करते हैं, आगे का काम जो भी है कार्य प्रणाली अपनी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेरे को बस ये देखना था मेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 7,71,000 इन्होंने लगाई है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इंश्योरेंस में IDV है वो इससे कम है, इतनी नहीं है, ठीक है, तो IDV पे ध्यान मत दिया करो। तो 7,71,000 तो कम है यार, मतलब तब मेरे को गाड़ी कितनी पड़ी थी ऑन रोड, 11.5 लाख की, ठीक है, 4 साल अभी मार्च में हो जाएंगे गाड़ी को, तो लगभग ये मान लो कि 4 लाख रुपए हर साल के, 1 लाख रुपए कम है गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से कम है पैसे। हालांकि जब आपकी गाड़ी कैसे मान लो पैसे कम आते हैं ना, तो आप बिडिंग करवा सकते हो गाड़ी की दोबारा, उनको बोलो कि मेरे को पैसे नहीं जचे। ये क्या होता है कि सेकंड हैंड डीलर होते हैं ना, उनको भेजते हैं कि हमने ऐसे ऐसे गाड़ी एक शॉर्ट लिस्ट करी है, बताओ आप लोगों में से कौन खरीदेगा। तो वो जो बायर होते हैं ना, जो डीलर होते हैं, वो इनके यहाँ पे बायर होते हैं, तो वो बिडिंग करते हैं 7,30,000, 7,71,000, तो वो 71 वाला जीत गया। तो आप इनको बोलो मेरे को प्राइस और चाहिए। अब अगर आप लोग कहते हो तो मैं एक बार अलग अलग जो भी मान लो ये बाकी डीलरशिप है, कार्स 24 हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, स्पिनी हो गया, वो भी है और भी है कार देखो, ये सब वगैरह काफ़ी सारी हैं, तो अगर आप कहोगे तो मैं उनसे भी एक बार चेक करा लूँगा गाड़ी। और आपको क्या लगता है मेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप ही मेरे को कमेंट करके बताओ। और अभी मैं शायद इसका इंजन का भी कुछ काम करवाऊंगा, मेरे को ना पहले से माइलेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लग रही है गाड़ी की, अभी 11-12 मेरे को मुश्किल से निकाल के दे रही है, तो इतना भी नहीं चाहिए यार, 11-12 दे रही है। फिर मेरे को ना इसका थोड़ा सा पिकअप कम लग रहा है भाई, 4 साल हो गए हैं, स्पार्क प्लग वगैरह मैं सब टाइम पर चेंज करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पहले से तो गाड़ी ओवर द टाइम तो धीरे पड़ी जाती है ना। मेरे ख्याल से वो टाइम गया जब मैं अपनी गाड़ी को नहीं कह सकता था, दिल में नहीं है, लेकिन 4 साल टच होने वाले हैं तो, और लगभग 70,000 किलोमीटर्स, तो 4 साल तो एक गाड़ी के लिए कम नहीं होते, अभी पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, इसीलिए मैं सोच रहा था मैं नई गाड़ी ले लेता हूँ। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन एक बार लोगों से भी, आप लोगों से भी पूछ लिया जाए कि क्या हम इसे सेल कर दूँ, क्या हम इसकी और जगह वैल्यूएशन लगाऊँ। आपको अगर ये गाड़ी लेनी होती तो आप कितने के लेते हो, आप मेरे को ये बताओ, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या मैं बाकी डीलरशिप पर भी एक बार अपनी गाड़ी कैसी चेक करा लूँ, बताओ।